गिजमगाना बेट्स के न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आपके लिए पहला अपडेट यह है कि इस चैनल पे एक और गिवअवे स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कर लेना ये वीडियो देखने के बाद। और जैसे कि मुझे काफ़ी कमेंट्स मिल रहे थे कि मैं गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्टाग्राम वाला स्टेप हटा दूँ, तो मैंने वो हटा दिया है। उसकी जगह पर मैंने बहुत ही ईजी स्टेप रखा है, तो वीडियो देखना आपको समझ आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज़। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई सरप्राइज लाऊं आपके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज़। आज की पहली न्यूज़ है शाओमी की तरफ से। मनु जैन जी ने एक ट्वीट करके हमें बता दिया है कि mi.com बन चुका है इंडिया का तीसरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी बात है, सिंगल ब्रांड होने के बाद भी ये थर्ड नंबर पर आ चुका है, इसके लिए थम्स अप है। इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड तो है ही, अब ई कॉमर्स पे भी ये टक्कर देगा बाकी कंपनीज को। हमारा अगला अपडेट भी Xiaomi की तरफ से है। दोस्तों Xiaomi इंडिया में प्रोडक्ट्स की रेंज अब बढ़ाने वाला है। आप जानते हैं Xiaomi के चाइना में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, अब आपको इंडिया की साइट पर भी काफ़ी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि टारगेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को। देखते हैं कब तक ये पॉसिबल होगा और कब तक हमें नए प्रोडक्ट इंडिया में देखने को मिलेंगे Xiaomi की तरफ से। अगला अपडेट है LG की तरफ से। आप सब जानते हैं LG का नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है LG W10। इसकी कुछ और डिटेल्स सामने निकल के आ चुकी है। इस फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड पाई और इसका आपको एक वेरिएंट मिलेगा 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ, और साथ में आपको यहाँ पर मिल रहा है 6.2 इंच का डिस्प्ले। प्रोसेसर को लेकर अभी कन्फ्यूजन चल रही है कौन सा आपको इसमें देखने को मिलेगा, बाकी रियल में आपको मिलेंगे ट्रिपल कैमराज। ये फोन आपको नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में, और मेरी वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी, उसका वेट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये फ़ोन मार्केट में तहलका मचा सकता है LG ब्रांड को देखते हुए। अब देखते हैं क्या निकल के आता है LG की तरफ से, उसका हम वेट करते हैं। हमारा अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में आपको फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिलहाल एक और लीक सामने निकल के आ चुका है जिसके अकॉर्डिंग आपको इस फोन में फिजिकल बटन देखने को मिलने वाले हैं। वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन ये आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में लेटेस्ट लीक्स के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं अगस्त तक हमें वेट करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा क्या एक्चुअल में निकल के आता है। दोस्तों AI का ट्रेंड इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मार्केट में, हर फोन में आपको AI देखने को मिल रहा है। अब अगर आप यूज़ करते हैं पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का तो यहाँ भी अब आपको AI का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है जो कि आपकी हेल्प करेगा प्रेजेंटेशन बनाने में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं इसमें तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है इसको लेकर। AI के साथ साथ डार्क मोड का भी ट्रेंड अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि आप Gmail यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, अब Gmail ऐप में आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है आपके एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसका वेट कर रहे थे तो ये अपडेट आपको मिलने वाला है। Google Pixel 4 आप जानते हैं कुछ टाइम तक लॉन्च होने वाला है, अभी इसके कुछ और रेंडर लीक निकल के सामने आ चुके हैं। ये इमेज सामने आई है, इसमें आप देख सकते हैं कैसा आपको कैमरा सेटअप इसमें मिल रहा है। यहाँ पर ड्यूल कैमरा देखने को मिल रहा है जो कि थोड़ा अजीब लग रहा है इस तरह के कैमरा मॉड्यूल में। आपको ये कैसा लग रहा है देखने में कमेंट्स में बताना मुझे। अगर ऐसे मॉड्यूल में ट्रिपल कैमराज होते तब फिर भी अच्छा लगता, ड्यूल कैमरा नहीं जच रहा। अगला अपडेट है Huawei की तरफ से। दोस्तों अगर आप सोच रहे थे कि आप Huawei या ओनर का फ़ोन यूज़ कर रहे हो अब आपको एंड्रॉयड क्यू देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ डिवाइस सामने आ चुके हैं जिनमें आपको एंड्रॉयड क्यू देखने को मिलने वाला है। ये डिवाइस की लिस्ट आप देख सकते हैं, इस लिस्ट में है एक तो ओनर की 20 सीरीज जो कि कुछ टाइम पहले लॉन्च की गई थी, जैसे कि ओनर 20 प्रो, ओनर 20 और ओनर 20i। उसके बाद डिवाइस है ओनर व्यू 20, ओनर 10 लाइट, ओनर प्ले। इसके अलावा उम्मीद ही है कि ओनर एटैक्स को भी अपडेट मिल जाएगा, बाकी हम देखते हैं क्या होते हैं आने वाले टाइम में। अगला अपडेट भी Huawei की तरफ से है। आप सब जानते हैं Huawei की नोवा 5 सीरीज लॉन्च होने वाली है जिनमें आपको मिलेगा किरिन का 710 और किरिन 810। दो फोन लॉन्च किए जाएंगे नोवा 5 और नोवा 5 प्रो। अब रिपोर्ट सामने आई है कि इस सीरीज में आपको मिलेगा 40 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बैटरी भी बड़ी मिलेगी आपको और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो देखते हैं इंडिया में कब लॉन्च होता है ये फ़ोन। तो आज के लिए यही अपडेट्स है। अब आप बताओ मुझे कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।